जैसे क्या देखो, इसने अपना खाना बिल्कुल फिनिश कर दिया और मेरे खाने पे आया हुआ है, देख रहा हूँ कैसे निगाह देख रहा है, और मुझे पता है देव दूँ जब भी खाएगा नहीं है, परंतु उसने पर देखना खाने को। क्या जी इंद्र को, तुम अपना खाना खा लिया ना, मैं अपना खाना नहीं खाऊं, चल यहां से जा, निकल यहां से, चल निकल यहां से, यहां से यहां से। देख लो गाइस, मैंने उसे भगा दिया ना खाने से, और तो वहां जाकर बैठ गया, और ऊपर छोटा अबू नहा रहा तो उसकी रोने की आवाज आ रही है, तो उधर उससे उससे भी काफी दुखी हो रहा है। ये क्या हो गया माफिया, ऐसे क्यों बैठा है भाई, क्या बात हो गई, गुस्सा हो गया मेरे से तुम भाई? अच्छा अपना पूरा खाना खवाऊंगा, पक्का पक्का, अगली बार नहीं भगाऊंगा तेरे को, गुस्सा मत हो। वैसे ना खाने की वजह से गुस्सा हो रहा है, ऊपर जो छोटा बाबू ना वो नहा रहा ना उसकी वजह से हो रहा है गुस्सा, हल्का रही है किसी नवा क्यों रहे जबरदस्ती, वो रो क्यों रहा है। गाइस ये कबूतर हमें बाहर रोड पर पड़ा हुआ मिला था और काफी खराब स्थिति में, मैं इसने काफी ट्राई करने पर उड़ नहीं पा रहा बिल्कुल भी, अच्छी में पाऊँ जो पंखे ना पूरी तरह गीले हो चुके हैं जिससे कि उड़ ही नहीं पा रहा है। तो भाई ये मतलब नाली के पास पड़ा हुआ था तो वहां से उठा कर लाया हूँ उसे, और अगर वहां होता तो कोई और लोग खा लेता से पक्का। तो जैसे गैस मैंने कबूतर को डिब्बे में डाल दिया माफिया से दुबकाने, लोगों को जैसे ही माफिया को दिखे ना माफिया तुरंत उस पर 100% अटैक कर देगा। माफिया को कबूतर बिल्कुल भी पसंद नहीं, आपको मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद में, उसमें दिखाऊंगा माफिया कितना ज़्यादा चिड़ता कबूतर उसे, तो कब से कबूतर की स्मेल आ रही है, तो बार बार मेरे को फॉलो कर रहा है, हो स्टे माफिया मेरे पीछे मत आइयो, नो स्टे, तो अभी तो मैं उस कबूतर को ऊपर सेफ रख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ माफिया कितना चिड़ता कबूतर उसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो एक कबूतर ना पीछे है मेरे, देखो उधर ना उन्हें देखना अभी माफिया, देख बोले बोनी बोनी कहाँ चले गए, यहाँ आ जा, अब गलत दिशा में चले गया मैं, तू देखिए रे यहाँ आ माफिया कम यहाँ जा, किन्हें देख रहा है, बच्चों को देख रहा है जो ऊपर खेल रहे सिर पे इस टाइम, उन्हें देख रहा है, देख बोले कबूतर देख गए, अब देखना था इस माफिया को, अब भाई उन्हें कबूतर से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा माफिया को, जब तो उड़ेगा ना भोंकना शुरू करेगा, अब कभी तू दोस्ती वोस्ती भी कर ले कर, तो मैं सब भोंकता रहता है इन पे। A few moments later. So guys, ये कबूतर नाली का पास में रहता है, ये पूरा पूरा भीगा हुआ था, वहां पर काफी ज्यादा डर था, कोई भी डॉग कोई भी स्ट्रीट डॉग हो गया कोई भी किसी खा लेता, ये उड़ नहीं पा रहा इस टाइम पे, और ये रहा भाई कबूतर वो, तो इस टाइम पे दाने डाल दिए, पानी रख दिया है इसका, और इस कमरे में से सुबह तक रहेंगे, क्या पता अच्छा सूख जाए, अभी तो भाई काफ़ी अभी 6 बज रहे हैं, मतलब दिन दिन ढल चुका है, तो रात में नहीं इसे सुबह छोड़ूंगा आराम से, अभी तो फिलहाल पूरी रात यहाँ पे रहेगा आराम से, और यहाँ पे बिल्कुल सेफ है क्योंकि यहाँ पे मैं गेट लगा दूंगा बाहर का, जिससे कि माफिया अंदर ना पाए। है भाई छुटकू डर डर क्यों रहा है, तो डर क्यों रहा है, अभी छोटा सा बच्चा है ये, अभी छोटा सा बच्चा, ये देखो ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है देखना, वो तो इसे भाई इसे यहीं पर छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रहा, आई थिंक आई होप ये कल उड़ पाए, क्योंकि आराम सूख जाएगा ना जितना मिला आराम से सूख जाएगा, तो जैसे कि आराम से ले रहा है, यहाँ पे सोफा भी है पीछे की तरफ, आप जैसे देख पा रहे हो वहाँ पर भी चले जाएगा आराम से, तो ये खाट हटा दूंगा मैं फिलहाल भी यहाँ से, कि आराम से उस सोफे पे जा सके, उस सोफे के पास जा सके, ठीक है इतना तो जॉब कर ही लेगा ये ईजिली, तो फिलहाल इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ और इसे ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, अब चलते हैं यहाँ से आराम से रह भी लेगा, छोटे डिब्बे में सही नहीं था, छोटे डिब्बे में यह था कि घटा घटा से जाएगा भाई, वहाँ पे गाइस आराम से घूम फिर भी लेगा, डिब्बे में तो ये था भाई की जगह ठीक भाई की जगह रखा हुआ था, यहाँ पे सबसे बेस्ट है, सबको पता है कि माफिया को कबूतर बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब से देखो उससे चैन नहीं है, जब से हल्ला मचा रहा है देखो, जब से बॉक्स सुन रहा है इसलिए सारा कबूतर उसके अंदर है, और तो कबूतर ऊपर छोड़ के आ चुका हूँ मैं, अब फिर पीछे पीछे आएगा भगता 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 भगता, क्या है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, तुझे बड़ी चिंता हो रही है, सच्ची में इससे गाइस पहुंच गया ना कबूतर है, तो सच्ची पुटू घर में रहेगा नहीं चैन से, तब तक उसे पकड़ नहीं लेगा ये, तो इसलिए पता नहीं चल दूंगा, ऐसे कुछ नहीं पता भी कुछ भी नहीं है, खाली है हट जा ना, खाली पड़ा हुआ दे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है कहाँ में लग रहा है कोई कुछ भी नहीं है, मेरे को सूखे अरे कहाँ में सूख रहा है। The next day. भाई माफिया से कुछ भी छुपाना बहुत ही मुश्किल है, देखो उसे पता है कि गेट के अंदर कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहे, और बार बार देखो मेरी तरफ इशारा कर रहे, देखो सुबह सुबह ऊपर पहुंच गए ये चेक करने के लिए कि गेट के अंदर है कौन, ये क्या है क्या ढूंढने आए ऊपर है बे, मेरी तरफ देख ऊपर क्या देख रहा है। जैसे कि गाइस ये रहा, और पहले से इसके हाथ काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को, देखो काफ़ी अच्छा रहा पहले से, तो फिलहाल अभी इसे उड़ाने की कोशिश करूँगा मैं,
देख आई होप यू उड़ पाए भाई, जैसा हवा नीचे और पानी मेरा भी पियाया से दोबारा से, और वहाँ की कोशिश करता हूँ दोबारा से, ठीक है देखते हैं देखते हैं उड़ पाता नहीं पाता। वही देखो माफिया कर देखो दूर से, दूर से नहीं दूर से, हाँ ले बस और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। पहली बार फर्स्ट टाइम माफिया इतने पास से कबूतर देख रहा है, वैसे वैसे पकड़ता कबूतरों का, और ये भाई मुझे परेशान कर रहा है, तो इसे ऊपर छोड़ते हैं एक बार, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, हाँ देखते हैं एक बार, हाँ छोड़ दो देखते हैं। तो नहीं क्या हो गया ते ध्यान के बाद भी नींद में तो नहीं उठा दी तुमने इसे? नहीं नींद में नहीं है, इसे ऊपर छोड़ के देखो, हाँ फेंको थोड़ा सा, गिर जा रहा है, अरे नहीं गिरेगा उड़ जाएगा वो, नहीं उड़ेगा। कम ऊंचाई से छोड़ के देखो एक बार, जिससे लगे भी ना इसके। सच्ची मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इतनी देखभाल के बाद भी कबूतर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ उसे उठाने की, उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा है, पहले तो हिल भी रहा था, अब तो हिलना भी बंद कर दिया इसने, कुछ समझ नहीं आ रहा हुआ क्या इसके साथ में। देखो सुबह मैंने उठ जा भाई, बिल्कुल पूरी कोशिश कर ली मैंने इसे उठाने की, उठ ही नहीं रहा यार, उठ जा नहीं उठ रहा, देखो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, हल्की सी भी मूवमेंट कर रहा हूँ बस, इतना तो पता है जिंदा है, इतना तो मुझे अच्छे से दिख रहा है ये। गाइस हमने पूरी कोशिश करी अपनी कबूतरों को उड़ाने की, परंतु कबूतर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, और भाई मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। A few moments later. जैसे गाइस ये बताने में मुझे काफ़ी दुख लग रहा है, क्योंकि काफ़ी हमने काफ़ी ज़्यादा पूरी कोशिश करी थी अपनी तरफ से, और सब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, मुझे कबूतरों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है 1% भी, परंतु मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उसे बचाने की, परंतु अब उसे नहीं बचा पाया, ये काफ़ी दुख की बात है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और इससे आगे मेरे को कोई शब्द ही नहीं ना मैं बोल सकता इसके बारे में, परंतु इस चीज़ के ऊपर मुझे काफ़ी दुख है, और सच्ची में गाइस आप बिलीव करो यार, मैंने पूरी कोशिश करती है बचाने की जितनी मुझसे हो सकती थी, उसके बावजूद भी नहीं बचा पाया। देखे ना सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, ये चीज़ सच है, ये बात सच है, हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती यार। जैसे गाइस बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए किसी को बचाने के लिए जितना हो सकता है, तो अगर आपके आसपास कोई है इसको मदद के लिए तो प्लीज़ उसकी हेल्प करना। एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, कोई भी हो मेरे कबूतर नहीं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, जो भी आपको लग रहा है आप उसकी हेल्प कर सकते हो जितना आप हो सकता हो, प्लीज़ उसकी उतना हेल्प करना, इग्नोर मत करना बस। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जैसे ही गाइस कबूतर तो जा चुका, परंतु अभी भी इसको लग रहा है मुझे कबूतर कमरे में ही, और बार बार भाई माफिया ऊपर आके चेक कर रहा है उसे, गाइस माफिया बार बार आके चेक कर रहा है ऊपर है तो नहीं है, इसे अभी भी शक है कबूतर ऊपर ही है।